बीकॉम के एग्जाम्स आप लोगों के हैं, आई नो वेरी वेल। और हमारा जो चल रहा था चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 चल रही थी और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे इसके। क्वेश्चन कराने से पहले आपको पता, मेरी एक बहुत बेकार आदत है, पहले मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज कराता हूं क्या क्या है इसके अंदर, तब जाके हम लोग करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर सिक्वेंस एंड सीरीज, उसमें बात की थी एपी की। तो कोई भी चीज एपी में कब होती है, जब उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल होता है। मतलब जो डी होता है वो निकलता है किससे, ए टू माइनस ए वन से। फिर हमने टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था, ए एन इक्वल टू, ठीक है। फिर हम लोगों ने बेटा एस क्या था, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ये। और लास्ट टर्म दिया होता तो एन बाय टू ए प्लस एल, याद आया आपको। अब इसकी मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताई थी, क्या था टर्म निकालने का ए एन की, क्या थी, ए प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस वन, सॉरी जीटी नहीं, जीटी सब में आता है, सब में क्या था मैंने आपको, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस वन जीटी, याद है आपको। तो ये दोनों से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। बार बार मैं इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि देखिए मेरा एक उसूल है, जितनी बार आप लिखोगे ना उतनी बार चीजें आपको याद होंगी। मैथ्स का दूसरा नाम है प्रैक्टिस, और जो जितनी प्रैक्टिस करता है समझ लो वो उतना मैथ्स में परफेक्ट होता है। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ बेटा टेस्ट चल रहा है अकाउंट्स का, मैथ्स का तो 24 को है ना, परसों लॉग आए। तो ये आएगा भी नहीं कभी। हो गया, देखिए जो छुट्टी मारेगा ना उसे मैथ नहीं आएगी। ये आप तू हंस क्यों रहा है, ये अपने पास रहा है। देखिए मैं उनमें से हूं जो कभी कभी क्लास में आता था। सच्चाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आपको कैसे आएगी, कोई ऐसी घुट्टी तो बनी नहीं है कि मैं आपके घर जाऊं और आपको पिला दूं, लो भाई साहब पी ले। तो इस प्रैक्टिस करने से ही बनेगी, ठीक है, उससे ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप सोचोगे मैं आज आऊं कल नहीं आऊं परसों, तो फिर ऐसे मैथ्स नहीं होती है। वैसी मैथ नहीं आती 10वीं तक आपको, 10वीं में छोड़ दी थी, 11वीं 12वीं में पढ़ी नहीं, और आप सोचोगे नहीं ऐसा नहीं होता। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक तो लगातार कर लिए थे, छठा क्वेश्चन भी कर लिया था, 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि टर्म निकालने का क्वेश्चन है। तो क्या निकालना है, टर्म ही तो निकालना है। 7वां क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। चलिए 7 क्वेश्चन के आगे लेके, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट में भी आने वाला और एग्जाम में भी आता है। 7 क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करा जाए। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है सच दैट, जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए, एपी के अंदर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, ये सारी वैल्यू एपी के अंदर हो जाए। तो एपी के अंदर हमने पता है कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज बी इक्वल। तो पहली वैल्यू होगी ए वन, ये क्या हो गई ए टू, ये होगी ए थ्री। अब हम दो बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और दोनों बार कॉमन इक्वल रख देंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स निकालो, 3 4 टर्म देखे, तो आप 2 बार डी निकालो और दोनों को आपस में क्या रख दो, इक्वल। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या वैल्यू दी हुई है,
पहली वैल्यू दी हुई है 8x प्लस 4, दूसरी है 6x माइनस 2, तीसरी है 2x प्लस 7। ये a1, ये a2, ये a3, ठीक है। अब आप निकालोगे d, d क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना, ये इसमें से माइनस कीजिए इसको, कितना आ गया 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, 6 में से 8 गया कितना आया -2x -6, ये आ गया d। अब दोबारा d निकालो कैसे, a3 माइनस a2, a3 कितना है -6x माइनस 2, तो 2x+7 -6x+2, तो ये कितना आ गया माइनस का 4x+9, ये आ गया d। अब दोनों d को क्या रख दो आपस में बराबर, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर रख दो, तो -2x-6 = -4x+9, 4 इधर कितना है -2x+4x, 9 6 15, तो 2x = 15 x = 15/2, ये हमारा आंसर आ गया 15/2। ए गुड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आज ये हम पूरा कर देंगे एक्सरसाइज, और फ्राइडे को टेस्ट है टीवीएम का और इसका। टीवीएम जिसने अच्छे से कर ली वो मैथ्स में पास हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। टीवीएम ही 12 नंबर की मिनिमम आती है, मैक्सिमम 18 नंबर की आती है। टीवीएम मैंने स्कैनर से करा रहा हूं आपको, पहले बुक कराई फिर स्कैनर करा रहा हूं। अब परसों फ्राइडे टेस्ट देना है और क्लास भी है, ठीक है, निकम्मे मत बन जाना उन बच्चों की तरह से जो टेस्ट वेस्ट नहीं देते। x = 15/2, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के लिखिए बहुत ही अच्छा, जिन्होंने 11 क्लास में मैथ्स पढ़ी होगी उनको ये क्वेश्चन याद होगा, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, हम तो कराएंगे। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा तो ये 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और वैसे नॉर्मली 1 पेज का क्वेश्चन है, तो पहले मैं नॉर्मल सॉल्व करवाता हूं पूरा डिटेल में क्या होता है, बाद में मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, ठीक। आज मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक हम बनाते कैसे हैं, कि हम कैसे पता चले कि ये ट्रिक ये एप्लीकेबल होगी। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते चीज़ें हमें समझ, अच्छा ये ऐसी भी तो हो सकता है। तो आज मैं आपका डेवलप करता हूं एक क्वेश्चन करा के कि कैसे इसकी ट्रिक बनी होगी, सर ने इसको कैसे ट्रिक में कन्वर्ट किया होगा। तो एक करा रहा हूं, इसके बाद नहीं कराऊंगा अभी, ट्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, आज सिखा रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि mth टर्म ऑफ द एपी, एपी का जो m टर्म है वो n के बराबर है, और n टर्म किसके बराबर है, r के बराबर, और m के बराबर है। आपको 8 टर्म निकालना है, क्या निकालना है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पल से, ये क्वेश्चन छोड़ दो, एक एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको मैं,
तरीका बता रहा हूं कि कैसे हमारा दिमाग चलता है गलती से, आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल है, इफ टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 20, ठीक है, कितना 20, एंड 28th टर्म ऑफ एपी इज 10, फाइंड 35th टर्म। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले मैं डिटेल में सॉल्व करता हूं, फिर इससे कैसे। वो कह रहा है कि 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का जो 10वां टर्म है वो कितना है 20। तो आपको पता है टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए एन होता ना, तो ए प्लस एन माइनस वन, ये ना। अगर मुझे 10 टर्म निकालना हो तो ए एन किया 10 रख दूंगा, ए ऐसी रहेगा, ये 10 माइनस वन कितना जाएगा, ये बराबर किसके 20, पहली इक्वेशन। और कौन सा टर्म है 28 टर्म, क्या हो जाएगा ए प्लस 19 डी इज इक्वल टू 10, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 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 ये आ गया, माइनस का कितना बचा इज इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू कितना आ गया 10 अपॉन, क्या मेरा माइनस वन आ गया d। अब d की वैल्यू पहली इक्वेशन पुट करी तो a प्लस 9 इंटू इज इक्वल 20, a इक्वल टू कितना आ गया 20 प्लस 9 आ गया a बेटा 29। यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे कौन टर्म निकालना है 35th टर्म, तो क्या होगा a प्लस 34d, a कितना आया था प्लस 34d कितना आया, कौन सा आंसर आया मतलब जो 5 वो 35 टर्म का माइनस 5 आ गया। इतना टाइम लगा मुझे पूरा डिटेल में करने में, जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, गलती से अगर मैथ पढ़ी हो तो वहां ही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सर मैं 2 सेकंड में करूं तो कैसे होगा, ओनली 2 सेकंड, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन मैं 2 सेकंड में करता हूं कैसे, और बताता हूं आपको मैं खतरनाक ट्रिक। करूं भाई, सब तैयार हो सीखने के लिए? हाँ सर पक्का सीखना चाहेंगे हम, तो हम 2 सेकंड वाली करेंगे, हम बाकी डिटेल नहीं करनी। चलिए, जब कभी एग्जाम में ऐसा है कि एक टर्म दूसरे का रिवर्स है, देखो 10 टर्म 20 और 20 टर्म, ऐसा कभी आए कि ये इसका रिवर्स एक दूसरे का है, तो अब ऐसे में कौन टर्म निकालना है मुझे, अब कैसे निकालते हैं, जो टर्म हमें निकालना है और जो हमें दिया हुआ, दिया हुआ कितना है 10 टर्म कितना दिया हुआ है और 20 टर्म, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिया बेटा, और जो निकालना उसको माइनस कर दो बस। यहां से भी माइनस फाइव आ होता है, यहां से भी, दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया भाई, आया ना, इस तरह से दिमाग चलता है बैठे बैठे। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है ये। अब इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई किया, फिर दूसरे में किया, तीन में किया, अरे यार ये तो सब में अप्लाई हो रहा है, इसका ये हमारी ट्रिक बन गई। चलो उतार लीजिए इसको पहले, फिर वाला क्वेश्चन करेंगे जो हमारा किताब वाला क्वेश्चन है। नहीं है आसान तरीका, चलो जो पूरा हम लोगों ने दिया हुआ है देखिए, स्लोली स्लोली पढ़ो, आराम से आप पास हो जाओगे, लेकिन एक गलती तुम मत करना जो 50% बच्चे गलती करते हैं, क्लासेस को छोड़ना मत, रेगुलर टच में रहना और पढ़ते रहना, तभी आप पास हो पाओगे, वरना शायद ऐसा हाल होगा मैथ में कुछ आता नहीं, बच्चे ऐसे कहेंगे बाद में
अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप पूरी रिकॉर्डिंग जाके देखो इतने, और अभी भी गवाह है वो आता है शाम को, डेली 1.5 घंटे क्लास देता हूँ शाम को, हर PYQ हर क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक क्वेश्चन मेनी टाइम्स कराते हैं, तुम ही देख लो तुम्हें कराया है, टीवीएम करे जा रहे हैं, हम रोज ही कर रहे हैं, यही है यार, तो फिर ये तो आता है रोज यार, शेर नाम से ये याद आए, नाम भी कह सकते हैं पढ़ लो शेर, कैसे कैसे नाम से बच्चे ज्वाइन करते हैं, मुझे समझ में आता है, अपना नाम लिखते हो ओरिजिनल, एक दिन तो मोए मोए आ गया था, पता कौन तो भाई साहब मोए मोए था कोई, मैंने क्या क्या नाम लिख के लाते हो ये तो बोले हम पहचान ना पाएगी तुम कौन हो। चलिए हो गया, अब वाला क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रिक से जो हमारे पास है। चलिए वो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या है जी, देखो उल्टा ही तो है जी, एम टर्म बराबर किसके, एन के, तो एन को लिखा, और एन टर्म बराबर किसके, एम के, एम को लिखा, जो टर्म निकालना, निकालना क्या है आर, उसको माइनस कर दिया, कौन सा ऑप्शन है भाई, दो ही सेकंड तो लगे होंगे ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत सर, ये तो आसान है, ये तो मैं कर दूंगा, ये कितने नंबर का एग्जाम है, 3 से 4 नंबर का बस ये चैप्टर, ज्यादा वेटेज कोई ना इस चैप्टर की, जितनी टीवीएम वेटेज कितनी ज्यादा है उसकी, उसकी ज्यादा वेटेज है, चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, एक क्वेश्चन बीच में बचा हुआ है, 14वें क्वेश्चन करेंगे फिर 15वां करेंगे फिर 19वां करेंगे, यही था ना, फिर सारे करने के बाद फिर आपका डाउट ले लेंगे, जो इसमें डाउट होगा दोबारा करा देंगे वो, तो पहले 14वां देख लेते हैं, सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है कितने टर्म का, अब सम के दो टेक, या तो कैलकुलेटर में कर लो या टाइम लो, ये 100 टर्म है तो 100 बार आपको इक्वल टू दोबारा पड़ेगा, वरना क्या था एपी का एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन कितने 100 टर्म का, तो 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना बेटा बताना जरा एक बार, 9, और डी कितना है डी 9, एन तो 100 रहेगा, 100 माइनस 1, डी कितना है -4, क्योंकि आपका 9 और 5 था, तो 5 में से 9 गया माइनस का 4, सॉल्व करो कितना आ गया 50, ये 18, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 99 × 4 396, 50 इंटू घटा दो माइनस 378, माइनस का क्वेश्चन नंबर 13-14 जो भी क्वेश्चन था, ये 14-15 एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एपी कह रहा ना बेटा वो, तो हमने एन की जगह 100 पुट कर दिया और ए और डी की जगह पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलो जी सुकेना रजा जी, हो गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टीवीएम का हर एक क्वेश्चन मैं अपने हाथ से सॉल्व करा रहा हूं, आराम से करो। चलिए निया
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, टू अर्थमैटिक मीन, इनके बीच में दो अर्थमैटिक मीन निकालने हैं, अर्थमैटिक मीन निकालने हैं इनके बीच में दो, ठीक है बेटा, चलिए करें। तो चलिए किसके बीच में निकालने हैं सर, माइनस सिक्स और 14 के बीच में दो निकालने हैं। तो पहली वैल्यू हो गई ए वन, ये वैल्यू क्या होगी ए फोर। अब इनके बीच में दो वैल्यू निकालनी है, तो वो कौन सी होगी, ए टू और ए थ्री। अब मुझे इसका था ए टू निकालना है और ए थ्री निकालना है। आपको दिया हुआ है ए वन और ए फोर, ये बताओ ए फोर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस थ्री डी, एक कम होता है ना। ए फोर्टीन कितना दिया हुआ है, फोर्टीन इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, माइनस सिक्स प्लस थ्री डी, तो सिक्स आया ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री डी, डी इक्वल टू कितना आया, ट्वेंटी बाय थ्री। क्या आपको डी की वैल्यू निकल गई बेटा। अब मुझे निकालना कौन सा टर्म है, ए टू, तो ए टू क्या होता है, ए प्लस डी होगा, एक कम होता है ना, ए कितना है माइनस सिक्स, डी कितना है ट्वेंटी बाय थ्री, एलसीएम थ्री छेतीय अट्ठारह बीस कितना आ गया, दो बटे तीन, ये ए टू आ गया। अब मुझे निकालना है ए क्या होता है, ए प्लस टू डी, तो ए कितना है माइनस सिक्स, टू इंटू डी कितना है बीस बटे तीन, तो ये अट्ठारह माइनस अट्ठारह प्लस चालीस बटे तीन, बाईस बटे तीन, ये आंसर आ गया हमारे, ऑप्शन आ गया दो बटे तीन और बाईस बटे तीन। चलो आराम से उतार लो, आज भी पांच क्वेश्चन करने हैं टीवीएम के जरूर, हर हालत में। एक अटेम्प्ट का पेपर तो कंप्लीट करना है आज। आ गया बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 21, चलिए 21वां क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है इस बार, इस बार के कितने करने हैं, इस बार चार इंसर्ट करने, कितने करने चार। तो चलिए किसके बीच में, माइनस टू और 23 के बीच में, माइनस टू और चार करने हैं, तो ये हो जाएगा ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए फाइव, हो गया बेटा।
ये अब आपको बताइए ये कौन सा रेखा है। तो हमें पता है A6 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 5D। A6 कितना है 23, A कितना है -2 प्लस 5D। तो 23 प्लस 2 इक्वल टू 5D, 25 अपॉन 5, तो D कितना आ गया। क्लियर बेटा, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने कराया पहले ये, ठीक है। अब निकालना है A2, तो A2 क्या होता है, A प्लस D, तो A तो है -2, D कितना है 5, तो कितना आ गया 3। फिर निकालना है A3, A3 क्या होता है, A प्लस, तो A -2, 2 इंटू D कितना है 5, तो 10 -2 8। फिर निकालेंगे A4, A प्लस 3D, तो A कितना है -2, डी कितना है 5, तो 15 - 2 13। फिर निकालेंगे A5, A5 क्या होता है, A प्लस 4D, तो -3 + 4 इंटू डी कितना है आपका, डी कितना है 5, 20 - 2 18। तो हमारे नंबर हो गए -2, उसके बाद कितना है 5, 3, 8, 13, 18 और 23, ये आंसर आ गया। ये 4 नंबर हो गए हमारे, ये आंसर है 4 नंबर। फ्राइडे को टेस्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का और टीवीएम का। टेस्ट दोगे अगले दिन, 2 दिन बाद आंसर मिल जाएंगे आपको, मंडे ट्यूसडे आपको पेपर मिल जाएगा। पिछला भी तो मिल ही गया था आपको, और आंसर तो आ जाते हैं शाम को। सॉरी, आगे क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, चांसेस कम रहते हैं एग्जाम में इसके आने के। 22 क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का पहला टर्म कितना है 14, मतलब ए कितना है 14। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म को अगर मैं जोड़ता हूं S5 एंड द फर्स्ट 10 टर्म, वो क्या होगा S10 इक्वल इन मैग्नीट्यूड का, दोनों वैल्यू में बराबर है, दोनों वैल्यू में मतलब S5 बराबर किसके है, बट अपोजिट इन, अगर एक प्लस में तो दूसरा किसमें माइनस में, ये कहना चाह रहे हैं। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये कंडीशन है कि S5 जो है वो बराबर किसके S10, लेकिन किसके माइनस के बराबर है। चलिए करें हम, आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A + N - 1, ये होता है। पहले n की जगह 5 पुट करो तो S5 आएगा, कितना है S5 5/2 2a, a कितना है 14, पुट करो n की जगह 5 पुट करो, और d नहीं पता, ठीक है, तो 5/2 ये कितना आएगा 28 प्लस 4d। कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, 2 कॉमन आ रहा है, 14 प्लस नहीं 4 ही कॉमन आ रहा है, 4 ही कॉमन ले लो भाई, तो कितना आएगा 7 + d, यही आ रहा है। इस 2 से 4 काट लो, कितना आ गया 10, 7 + d कितना आ गया 70 + 10d, ये S5 आ गया।
अब निकालेंगे एस टेन, एस टेन तो कितना आया, टेन बाय टू, टू इंटू ए, ए कितना है 14, टेन माइनस वन, डी हमें नहीं पता, ये कितना है बेटा 5, ये 28, ये कितना आया 90, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 28 कितना होता है 28, 140 प्लस 5 इंटू 90, चलो उतार लो एस टेन और एस फाइव दोनों निकाल लिया मैंने, एस फाइव और एस टेन दोनों मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब दोनों को बराबर रख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, मतलब एस फाइव को इक्वल टू रख देंगे एस टेन के, वो भी माइनस के, ठीक है। 70 प्लस 10d माइनस 140 प्लस 45d, 70 प्लस 10d माइनस 140 माइनस का 45d, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 210 और माइनस का 55d, नहीं माइनस करिए प्लस का 200 आएगा, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 210 अपॉन माइनस 55, 5 से काटो 5 चौक 20, 5 10 और ये 11, तो डी आ गया माइनस 42 बटे 11, डी की वैल्यू आ गई माइनस 42 बटे 11। ये थोड़ा लेंदी है, एग्जाम में कम आता है बट टेस्ट में आ सकता है, कुछ नहीं छोड़ने, सारे क्वेश्चन करने हैं, छोड़ने क्यों है। चलिए जी, तो माइनस 42/11 हमारा डी आ गया। अब बेटा कौन सा टर्म निकालना है आपको, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, तो a तो 14 है प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस 42/11, तो 14 कितना आ गया 84/11, एलसीएम 11, 11 इंटू 140 14 कितना हो गया 154-84, 70/11, ये आपका आंसर आ गया, या फिर 6/4/11 ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 6/4 बैलेंस बचेगा 4/11। थोड़ा लेंथी है थोड़ा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन बचा उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर करेंगे टीवीएफ के 5 क्वेश्चन, कम से कम 5, क्योंकि रोज करोगे तो रिवाइज आएगा टीवीएफ आपका, फॉर्मूले क्या है फ्यूचर वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू के याद रहेंगे आपको, पूरे एक महीने तक करना है टीवीएफ लगातार रोज करना है। आ गया बेटा सबका, किसी को भी माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चलो जी, इधर की कहानी तो खत्म हो गई है, इधर की कहानी पाई है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन,
वो कह रहा है कि जो पी ट्रम है वो बराबर इसके है, तो आपको सम निकालना है एन ट्रम का, सम निकालना है। अगर आप देखो पी ट्रम कितना दिया हुआ है, पहले पी ट्रम कितना दिया हुआ है, पी ट्रम कितना दिया हुआ है, थ्री पी यही दिया हुआ है पी ट्रम। अब निकालना आपको सम, सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां पे मुझे a चाहिए और d चाहिए, हमारा सम निकल जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है n बाई टू ए पी और l, यहां पे मुझे a चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म मतलब ए एन होता है। अगर मैं इस पुट कर दूं p इक्वल टू वन तो क्या आ जाएगा, ए वन आ जाएगा, थ्री इंटू वन माइनस वन अपॉन सिक्स कितना आ जाएगा, टू बाई सिक्स आ जाएगा। फर्स्ट टर्म टू बाई सिक्स मतलब मेरा ए आ गया। अब मुझे चाहिए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है, ए एन। तो अगर मैं पुट कर दूं पी इक्वल टू एन, पी इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, ए एन थ्री एन माइनस वन अपॉन सिक्स आ जाएगा। अब मेरे पास लास्ट टर्म भी आ गया, मेरे पास a भी आ गया। अब मैं लगा दूंगा फॉर्मूला n बाई टू ए, ए कितना बेटा, टू बाई सिक्स, मैं सही करता हूँ भाई। और n कितना है, थ्री एन माइनस वन बाय सिक्स, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, सिक्स, टू प्लस थ्री एन माइनस वन, तो छः दूनी बारह कटेगा, बारह तीन एन में से दो में से कितना है, थ्री एन, यही तो बचा, बस यही हमारा आंसर आ गया। आज के क्वेश्चन थोड़े से लास्ट क्लास के क्वेश्चन से स्टैंडर्ड अप था, लास्ट वाले क्लास वाले बिल्कुल हलवा थे, आज में थोड़ा सा गरम जलेबी थी इसकी। कोई बात नहीं, दो बार करेंगे तीन बार करेंगे अपने आप आ जाएंगे। परसों टेस्ट में आ रहे हैं इसमें से छह से सात क्वेश्चन, डिट्टो। अब आंसर रट के मत आ जाना, इसका ए ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन, कभी रट्टा मार के आ जाओ। चलो ये भी एक टैलेंट है रट्टा मारना भी, है लॉ में काम आएगा रट्टा मारना। लॉ तो उनकी अच्छी होती है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, इसकी अंग्रेजी में हाथ तंग हो उसका लो तंग हो जाता है। जो अच्छे से इंग्लिश बना के ले सकता है वो आराम से लॉ कर सकता है। लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ, देखा जाए जो सेंटेंस है उसको हिंदी ट्रांसलेट करना है बस, कि जो कह गया उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो उसको, कि ऑफर ये कहता है, एक्सेप्टेंस ये कहता है, क्या चल रहा है आजकल, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कि क्या क्या कैपेसिटी, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसके अंदर क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट करने, यही ना। पागल व्यक्ति कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। 18 वर्ष से साल वाला कभी कट है, लेकिन केवल नेसेसरी गुड्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर उसने कोई नेसेसरी गुड्स यूज किया है, खाना पीना, वो उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, अदरवाइज उससे नहीं ले सकते। यही कुछ होता है ना। कोई ड्रंकर है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड वन व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट, शायद यही सब होता है लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में, यही सब पढ़ा हम लोग है। लॉ ने अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो वो भी बंदा नहीं कर सकता। देश का एनिमी है, दुश्मन है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। फ्रेंड है तो हाँ, फ्रेंड कर सकता है, एनिमी नहीं कर सकता। आज पढ़ाएंगे, ये पढ़ के आगे इसका लो तो पहले से ही
माइनर व्यक्ति कभी कॉन्ट्रैक्ट के एलिजिबल नहीं होता, केवल एक्सेप्ट नेसेसरी गुड्स के लिए, वो भी उसकी प्रॉपर्टी से लायबल होगा, उससे पैसा नहीं सकते, उसकी एसेट्स से आप रिकवर कर सकते हो, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो भी प्रूव करना पड़ेगा कि नेसेसरी गुड्स लिए इसने मुझसे जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। चलिए, हम लोगों ने लॉ में 27 लॉ पढ़े थे, इन्वायरमेंटल लॉ, ह्यूमन वोमेन एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सब पढ़े थे हम लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, और जब प्रोफेशनल कोर्स में तब भी पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट, एक ही तो बढ़िया लगता था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है, ऑफर, ओए होए, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, लगता है कि आज लॉ का मैं ही स्टार बन रहा हूँ, नहीं सुनने में बड़ा प्यार लगता है लॉ, जनरल ऑफर ये होता है, स्पेसिफिक ऑफर ये होता है, एक्सेप्टेंट ये, एक्सेप्टेशन क्या है कि भाई एक्सेप्ट कर लिया नहीं कर लिया, ये भी लगता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं एक्सेप्टेशन के, एक्सेप्टेंस। चलिए जी सर, लास्ट स्टेप बता दो इस क्वेश्चन का। बेटा लास्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस एल, एन मतलब नंबर, सो वही है, ए कितना आया था 2/6, एल आया था 3n-1/6, फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये n बाय टू बाहर ऐसे रहेगा, तो ये दो ऐसी रहेगा, ये 3n-1 भी ऐसी रहेगा, बस बस डिस्कशन बाद में, दो में से एक गया एक बचा, तो n बाय टू इंटू 3n-1/6 यही है, तो कितना आ जाएगा ये n बाय 12 3n+1। तो हम लोगों ने प्यार मोहब्बत से एपी इज कंप्लीटेड, एपी इज कंप्लीटेड, अब आपको इसका टेस्ट देना है, टेस्ट आपका फ्राइडे को है, ज्यादा बर्डन आपको ही दे रहा है, टीवीएम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था वो होगा, और आपका क्या होगा एपी की एक्सरसाइज 1, ज्यादा टेस्ट नहीं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टीवीएम आपने, लगभग लगभग याद ही है आधी ज्यादा चीजें, तो ज्यादा बर्डन होना नहीं चाहिए, हर फ्राइडे टेस्ट होगा, चाहे जितना पढ़ा दिया जाएगा पीछे वाला और आगे वाला, जब मान लो टीवीएम तो हर टेस्ट में आएगा, या मान लो टीवीएम आपके स्टैंप लग गई कि एक महीने डेढ़ महीने तक लगातार टीवीएम का टेस्ट होता रहेगा, बाकी जो चैप्टर होगा उसका होगा, फिर अगला चैप्टर आएगा तो ये चैप्टर नहीं, टीवीएम और वो चैप्टर आएगा। देखिए आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन आपके फायदे के लिए मैं टीवीएम करा रहा हूँ, टीवीएम यकीन मानिए एंड तक बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, अगर आपने प्रॉपर सीख लिया तो नहीं आएगा। चलिए जी आगे बढ़ जाए, तो एपी एंड जीपी इज कंप्लीटेड, सॉरी एपी कंप्लीट नॉट जीपी। अब हम कर आएंगे अपना वही इतिहास जो हम बचपन से करते आए हैं, टीवीएम, टीवीएम की बात करेंगे और रिवीजन करेंगे, टीवीएम हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, दिसंबर 21 तक कर लिया था ना, यहां तक कर लिया था। चलिए अब ये आला पेपर, ये थोड़ा सा खतरनाक पेपर आया था जुलाई का, जुलाई का पेपर सबसे टफ था, वेरी टफ, वेरी टफ, इस पेपर को मैं टफ मानता हूं जुलाई का पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। इफ द डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है, 5 साल बाद आपको मिलेंगे कितने, 1.5 लाख रुपए, देन प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहले बताओ ये एन्यूटी है या नहीं है, क्या इसके अंदर इंस्टॉलमेंट वर्ड है, क्या इसके अंदर
एवरी ईयर वर्ड है तो इसका मतलब एन्यूटी नहीं है, एन्यूटी नहीं है तो किसका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब ये अमाउंट दिया है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो ऑप्शन से प्रिंसिपल ले लेंगे। हमें पता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बताओ, आर अपॉन 100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। आर कितने परसेंट है, 18, तो 18 बटे 100 प्लस 1। प्रिंसिपल कितना है बेटा, ये मैंने ऑप्शन बी ट्राई करना है, 6y 5 6 8 इक्वल टू कितनी बार, 5 बार। ये बताइए 1.5 लाख बना नहीं बना, अगर 1.5 लाख बन गया तो यही हमारा ऑप्शन है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एन्युटी कौन सा, एन्युटी कौन सा नहीं है, कुछ हो ना हो इतना तो क्लियर हो गया एटलीस्ट। चार कीवर्ड लिखवाए, उन चार कीवर्ड में से कोई सा एक कीवर्ड पाया जाता है तो एन्युटी का है, अदरवाइज एन्युटी नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, चलो अगला क्वेश्चन, इसको पहचानना है। देखो डिस्काउंट रेट 14% है, कंपनी हैज टू पे रिसीव इतना, ग्रोइंग इतना, ये बताओ इसमें नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ है, नहीं, जिसमें नंबर ऑफ इयर्स नहीं, हो गया परपेचुटी, और परपेचुटी में दो रेट दिए हुए, तो कौन सा होगा, ग्रोइंग वाला, तो ग्रोइंग का कॉन्सेप्ट क्या आता है, ए अपॉन आर परसेंट माइनस जी परसेंट। 280 रुपए चाहिए, कितना रेट है, 14 और परसेंट माइनस 9%, तो 280 बटे 5% कितना आया, ए ऑप्शन। क्या आपको ये क्लियर हुआ बेटा, मजे मजे में करना है, चाहे एक करो लेकिन सॉलिड करो आप। ठीक है जी, मुझे तो आगे आपको आया नहीं आया मुझे नहीं पता, चलो अगला क्वेश्चन, इसके आगे लिखो अच्छा क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, ये अलग है, किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी कर रहे हैं ना बेटा, चलो, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ कितने परसेंट है, नॉर्मली 17% से आप ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन देश में क्या हो गई, इन्फ्लेशन कितना हो गया, अरे महंगाई बहुत हो गई है, किस बात की कमाई, महंगाई बढ़ गई है, 17% आप कमा रहे हो, 9% महंगाई है, तो बताओ आपका ग्रोथ कितने का हुआ नेट, केवल 8% ही कमा पा रहे हो आप, क्योंकि 17 रुपए कमाए, 9 रुपए तो महंगाई में चले गए, तो आपका बढ़ कितने से रहा है, केवल 8% से। 5 years लेट पी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अमाउंट टू बी प्रेजेंट ईयर देन प्रोजेक्टेड जीडीपी इट 6 years। सबसे पहले बताओ ये एन्यूटी है या नहीं है, सर एन्यूटी तो नहीं है, जब एन्यूटी नहीं है तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कह रहे हैं कि अमाउंट की वैल्यू पूछी है 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद, तो बराबर बताइए अमाउंट का, मैंने आपको यहां पे पी तो पी दिया हुआ है, अगर हम ट्रिक लगाते तो पी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैंने आपको अमाउंट का एक फॉर्मूला भी बताया था, याद है आपको, पी 1 + r/100 की पावर n, ये बताया था मैंने आपको है, तो अमाउंट निकालना है, अगर कोई नहीं दिया तो पी को पी लिख देंगे, कितने परसेंट से आप कमा रहे हो अब, 8, कितने साल का, 6 साल का, करना है तो इतना है 1 + ये कितना जाएगा 0.08 की पावर 6, ये आ जाएगा 1.08 की पावर 6। अब 1.08 को 6 बार मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 1.08 को 6 बार मल्टीप्लाई करो,
फाइव, सेवन आ रहा है, फाइव आ रहा है। पांच छह बार मल्टीप्लाई करना है या पांच बार, कितने साल है, पांच साल छह साल है, तो एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट क्वेश्चन कहा था हमारा, ये रहा फाइव ईयर बाद, अच्छा छठे साल में तो पूछा है, तो पांच साल बाद, पांच बार भाई है, पांच बार 1.586 यही आ रहा बेटा, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 1.58। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि छठे साल में तो उसने वैल्यू पूछी है पांच साल के बाद। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन किताब में नहीं था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन ऐसा किताब में नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57, बस बस अगर दोनों मिलके करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे, सेलिंग एक्सपेंस बाद में था, तो वही पॉइंट तो एग्जाम में डिस्टर्ब करता है। ए लोन ऑफ रुपीज 1,22,000, हमने एक लोन लिया कितने का, 1,02,000 का, टू बी पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, बताओ एन्युटी है या नहीं है, सर इंस्टॉलमेंट आ गया तो एन्युटी है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस इंस्टॉलमेंट। एक ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया 2023 में किया था, लास्ट क्लास में 81 क्वेश्चन में था, वो इंटरेस्ट निकालने वाला, कह रहा मैंने 1,02,000 रुपए लिए, इसको दो इंस्टॉलमेंट में पे किया, तो बताओ मैंने उस बंदे को कितना इंटरेस्ट दिया। पहले तो ये एन्यूटी है, तो पहले एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालो, वो भी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, क्यों क्या लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक निकालो और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालो। ये भैया प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक क्या होती है, आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू इट, यही होते बेटा, रेट कितने परसेंट है 4, तो 4/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू, इक्वल टू कितनी बार 2 जीटी। अब 1,02,000 को ऊपर लिखो और इससे जो आया सॉल्व, क्या है इसको सॉल्व करके ऊपर, नहीं ये वैल्यू सॉल्व करके 1. क्या आया था 886, तो 1.886 से डिवाइड करो कितना आया 54,000 54,082 एक इंस्टॉलमेंट मैंने इतने की दी, तो टोटल पेमेंट कितने आ गया, टोटल पेमेंट कितने आ गया सर, एक इंस्टॉलमेंट 54,282 की दी तो 2 से इंटीग्रेट कितना, 164,62 ले लो, कोई बात नहीं 2-4 रुपए ठीक है आ गया, इतना रुपए आपने पेमेंट किया, लेकिन लोन लिया कितने का था 1,02,000 का, तो इंटरेस्ट कितना दिया आपने बताइए, 6,164 कौन सा ऑप्शन है, 6,164 कौन सा ऑप्शन है, 6,000 कहां पर है, ए ऑप्शन, और कहीं तो 6,000 है ही नहीं, तो गुड क्वेश्चन, समझ में आया बात, द सुपर स्टार क्वेश्चन, कम से कम मुझे ये एन्युटी का क्वेश्चन करने 2 बार और तुम्हें करने 5 बार, तब जाके आप समझ लेना एन्युटी के मास्टर हो जाओगे, फिर एन्युटी का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी आंखों से बच नहीं सकता।
आज तो वही ना थियोरेटिकल का पी वाई क्यू है आज तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के है नलाय को पढ़ के रहना आज। बच्चा भी अपने मन से सिलेक्ट कर लेता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। चलो है नहीं वो तो मैंने उनके लिए जो 60 नंबर लाना चाहते हैं मैंने 100 के नहीं कोई आया दी। चलो वो तो अपने उनके जो 60 जो नालायक है बिल्कुल मैथ्स में उनके नहीं बताया था कि वो ये कर लें। मैंने उनके लिए कोई ना जिनको 1 लाख रुपए चाहिए कह रहा 1 लाख रुपए सर आप रख लो मुझे नहीं चाहिए मैं पास हो जाओ बस। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इफ ए पर्सन बॉट ए हाउस एक आदमी ने घर खरीदा 45 लाख रुपए दे दिए लो भाई 45 लाख पकड़ ले डाउन पेमेंट कर दिया एंड 80,000 रुपए हर साल देगा एंड ऑफ ईच ईयर क्या लिखा हुआ है परपेचुटी मतलब नंबर ऑफ इयर्स नहीं है जिंदगी भर तक जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% तो बताओ उसे घर कितने में पड़ा। तो पहले 80,000 की निकाल दो परपेचुटी तो 80,000 ऊपर लिख दो डिवाइड बाय 16% तो 5 लाख तो वो जिंदगी भर देगा और 45 लाख उसने पहले दे दिए तो घर कितने में पड़ा टोटल 50 लाख में घर पड़ गया। देखिए एक क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है लेकिन जिसको आता है उसके नहीं है और जिसको नहीं आता फिर तो भाई साहब वो आता ही नहीं फिर तो टोटल 250 क्वेश्चन है बुक के क्वेश्चन के अलावा वो आपको करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 59 लेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चर 5 ईयर्स 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है एक मैन्युफैक्चर का ठीक है बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थ्री ईयर फोर्थ ईयर 5 ईयर्स 6 साल है ठीक है या 5 लिखा हुआ है देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब सीएजीआर क्या होता है वो जो रेट होता है वही होता है सीएजीआर कोई नया बात नहीं होती है 6 साल का कहां से स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना और बताना है कि 6 साल में उसे कितने परसेंट की ग्रोथ हुई तो सेकेंड ईयर वाले को मान लेते हैं क्या प्रिंसिपल और जो लास्ट ईयर में मिला उसे क्या मानते हैं अमाउंट। मैंने बोला सीएजीआर कुछ नहीं होता जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और अमाउंट का कॉन्सेप्ट रखता है। अब अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है आर अपॉन इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट यही होता है। अब रेट लेते ऑप्शन से इसमें मानो ऑप्शन बी ट्राई किया मैंने 12 तो 12/100+1 प्रिंसिपल कितना है 100 अब इक्वल टू कितनी बार 1 2 3 4 चार बार दबाइए क्या यही अमाउंट बन गया अगर यही बन गया तो ये 12% हमारा आंसर ठीक है नहीं बना तो हम कोई और ऑप्शन ट्राई करते। ठीक है जी वेरी गुड चलिए 60 क्वेश्चन अभी कराते हैं पहले 61 देखिए क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ
एन्यूटी दिया तो एन्यूटी क्वेश्चन है, और क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। कितने रुपए दे रहे हो आप? 2000 रुपए दे रहे हो, तो निकालो भाई क्या थी फ्यूचर वैल्यू। 1 + r/100+1 × (n-1)gt, जो आएगा उसको एन्यूटी से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1 + r कितना है 5/100+1 × 1 = कितनी बार, 4 बार GT × 2000, करो कितना आया, ऑप्शन नंबर सी 11,051 रुपया आ गया। तो हम लोगों ने 60वां क्वेश्चन छोड़ के बाक्री ये पेपर भी कर लिया। 60 क्वेश्चन है एनपीबी का, जो एनपीबी में अगली क्लास में कराऊंगा। आप करा रखा है कि एक बार और एनपीबी याद है, नेट परसेंट भी कराया था एक बार मैंने, उसके ही क्वेश्चन है इंटू करके। तो आपका आज की कहानी यही खत्म करते हैं। देखिए डेली 4-5 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपका जो फ्लो है ना बना रहेगा एनयूटी के अंदर। हाँ सीएजीआर के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बहुत ऐसी बात नहीं है, अभी और कराएंगे, अभी तो बहुत बहुत बहुत। अगर 250 क्वेश्चन है तो लगाओ 250 क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन एन्यूटी एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपकी। भूलोगे जिंदगी में कभी एन्यूटी नहीं भूलोगे, बाकी सब कुछ भूल जाओगे, अपना नाम भूल जाओगे लेकिन सब कुछ ये नहीं भूलोगे कि एन्यूटी के फॉर्मूले क्या होते हैं। बहुत से बोलते ना सर बहुत सारी ट्रिक है, कितने दो ही तो ट्रिक है, केवल लगता है कि बहुत सारे, जब करो तो कुछ नहीं है उनके लिए, बहुत सारी होती है जो जब पढ़ते एंड में उनके लिए घबराहट हो जाती है उनको, जो सूझे पढ़ा उसे क्या घबराहट। मैं तुम्हें नहीं सुना रहा बेटा, मैं उन बच्चों को सुनाता हूं जो नहीं पढ़ते। आप यकीन मानो आप तो अभी नहीं हो, मैं पहले से कहता रहा था कि भाई पढ़ ले करो, और हर फ्राइडे टेस्ट भी लिए थे ले। भाई जब कभी कभी टेस्ट में आते थे गायब हो जाते थे। अब ना आप टेस्ट दो ना पढ़ो तो इसमें टीचर क्या करेगा इसका। चलो जी बेटा, सेकंड ईयर वाला प्रिंसिपल कैसे, उसने खुद लिख दिया, उसने कहा है कि आपको रिस्पेक्ट टू सेकंड ईयर से स्टार्ट करना है। अगर वो सेकंड ईयर नहीं बोलता तो फिर हम 90 से स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। उसने खुद बोला कि सेकंड ईयर से लेना है आपको, और आखिरी साल में आपको पता कितनी ग्रोथ हुई है। तो चलिए जी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।